सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मरवाही की एक दरगाह फोटो डालते हुए उस मामले में जोड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला भाजपा नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ FIR। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मरवाही के एक दरगाह की फोटो डालते हुए उस मामले में जोड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने FIR दर्ज किए जाने की शिकायत थाने में दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिना साक्ष्य के स्थानीय भाजपा नेताओं के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करते हुए भ्रामक पोस्टर शेयर करने और धार्मिक भावना भड़काने का प्रयास कर रही है। किस प्रकार की शिकायत है? देखिए, हमारा जो गौवेला पिंडरा मरवाही क्षेत्र है, आपसी भाईचारे के लिए जाना पहचाना जाता है। कल एक भाजपा के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र त्रिपाठी द्वारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया में एक खबर डाली गई कि ग्राम मटियाडाल जो मरवाही ब्लॉक का गांव है, वहां भूपेश बघेल जी के द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि सबको पता है कि 200 साल पूर्व से वहां मजार स्थित है और एक वहां जो मजार में कुछ हैं मुस्लिम समुदाय, उनका वो निजी संपत्ति है, वहां वो मजार चलाते हैं और 20 साल पहले से वहाँ निर्माणाधीन है और वहाँ मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था है और सभी लोग आपसी भाईचारा करके वहाँ एक मजार का निर्माण किए हैं। पर कल वो त्रिपाठी कोई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा सीधे बघेल जी को पूरा ये आरोप लगाना कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना पैसा देकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपसी भाईचारों को यहाँ बिगाड़ने के एक षड्यंत्र भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ हम कार्रवाई किया। सब लोग थाने पहुँचे हैं कि ऐसे लोग जो आपसी भाईचारा को बिगाड़ना चाहते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को देखने से पता चला कि गौरेला के मंडल महामंत्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी और बिलासपुर के एक महिला गौरी गुप्ता के द्वारा मटियानाड़ के एक मस्जिद की फोटो डालकर माननीय मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल, जो कभी भी मुस्लिम हिंदुओं पर भेदभाव नहीं किए, राम वन पदगमन, गांव-गांव में रामायण कराना और कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरों को पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखना, ये केवल एक गैर हिंदू मुस्लिम वाद वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उनके द्वारा प्रदेश में, देश में मुस्लिम और हिंदुओं के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कोई काम नहीं किया गया है। पुष्पेंद्र त्रिपाठी द्वारा ये गलत टिप्पणी की गई, हम इसके खिलाफ FIR की मांग करने आए हैं। इस पर FIR कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस क्षेत्र का शांति सौहार्द कायम रहे। पुलिस ने फिलहाल मामले में शिकायत दर्ज करते हुए मामले में दोषी भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई है। स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा आस्थाने पहुंचकर एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें गौरेला के रहने वाले भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्रिपाठी और बिलासपुर की रहने वाली गौरी गुप्ता के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में पोस्ट किए और पोस्ट में मरवाही के मटियाडांड स्थित दरगाह की फोटो डालकर इसमें लेख लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में जहां पर एक भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करता है, उस गांव में भूपेश बघेल 50 लाख की लागत से मस्जिद बनवा रहे हैं। भूपेश का एजेंडा ही तुष्टीकरण का है। गांव-गांव भूपेश बघेल धर्मांतरण और लव जिहाद के सेंटर खोल रहे हैं। हमारा तो यहाँ तो भूपेश सरकार पर सीधा आरोप है कि भूपेश बघेल बांग्लादेशी और रोमानिया लोगों को इन मस्जिद में मौलवी मौलाना बनाकर बैठा रहे हैं। इस पोस्ट का कांग्रेसियों ने विरोध किया और थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर गौरेला के भाजपा नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी को तत्काल उसके घर हिरासत में लेकर गौरेला ले आई, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय भाजपा नेता गौरेला थाना पहुंचकर मामले का विरोध किया। में कांग्रेस नेताओं द्वारा अजीत सिंह श्याम जो प्रार्थी उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि फेसबुक पर एक पुष्पेंद्र त्रिपाठी और गौरी गुप्ता एवं एक अन्य हिरवानी जो है उन लोग के द्वारा फेसबुक में पोस्ट किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध में अवांछित और मिथ्या टिप्पणियाँ की गई हैं, जिसके रिपोर्ट पर तत्काल उसमें FIR किया गया है। धारा 505 ख के तहत FIR हुआ है और उसमें जो यहाँ के निवासी आरोपी है पुष्पेंद्र त्रिपाठी, उसकी गिरफ्तारी आज की जा रही है।
इस प्रकार यदि कोई भ्रामक प्रचार करते हैं तो आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगी जिला गौरेला पिंडरा मरवाही पुलिस की ओर से कि इस प्रकार भ्रामक प्रचार से बचे, सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, न कि मिसयूज़ करें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा सभी पर नज़र रखी जा रही है। यदि इस प्रकार यदि कोई भ्रामक टिप्पणी या कोई ऐसा जो कमेंट है किया जाता है जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है तो निश्चित रूप से उन सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भाजपा नेताओं की माने तो वे घटना की जानकारी संगठन के पदाधिकारियों को दे दी है और जैसा उन्हें संगठन से निर्देश मिलेगा वो उसी के अनुसार मामले का विरोध करेंगे। वहीं गौरेला पुलिस ने मामले में दोषी भाजपा नेता के खिलाफ धारा 505(1)(ख) के तहत अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मोहल्ला बोल के द्वारा एक पोस्ट हमारे जिले में मटिया डांड को लेकर पोस्ट की गई थी जिसको उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया था और कहीं पर भी पुष्पेंद्र त्रिपाठी कहीं पर भी ऐसा कोई भी अपराध उन्होंने नहीं किया जो, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार सिर्फ बदले की राजनीति का कार्य कर रही है। उन्हें यह लग रहा है कि इस पर FIR करा के हम बीजेपी वालों को शांत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बीजेपी वाले शांत नहीं होते, इस मामले को हम आक्रोशित हैं। निश्चित तौर पर हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, आज बेवजह हमारा मंडल का महामंत्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी को फंसाया गया है। हम ऊपर बात कर रहे हैं, जैसा भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। गौरेला पेंडर से तनवीर आलम, CG Vision TV।